इस वीडियो के अंदर हम एक काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड बुक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। एक किताब है जिसका नाम है यू इनकॉर्पोरेटेड बाय इनेस टेम्पल। आई विल फर्स्ट कम ऑन दी ऑथर्स इंट्रोडक्शन। कैरियर एडवांसमेंट से रिलेटेड एक फर्म है जिसका नाम है ली हैच हैरिसन, उसकी हैं प्रेसिडेंट, और साथ ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इसके अलावा भी इनकी कुछ किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इनका बेसिकली इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कैरियर एडवाइजरी एट्सेट्रा। आज का जो रिव्यू है इसको मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं चीज़ों को थोड़े से डिफरेंट तरीके से लेके चलूंगा एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस बुक रिव्यूज। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर वाइज चीज़ों को लेके चलें, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के बारे में डिस्कस करें कि अच्छा, यानी कि ये तो हो गया इस बुक का क्रक्स, तो इसके बाद जो है चैप्टर वाइज यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इसके अंदर क्या कुछ है जो कि इस बुक को अपनी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी यूनिक बनाता है। सबसे पहले मैं इस बुक का मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि ये जो किताब है ये बेसिकली है पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, अपने करियर एडवांसमेंट से रिलेटेड है और एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड है। जो ऑथर हैं इसकी, जो इनेस टेम्पल, उन्होंने ये चीज़ बेसिकली आर्ग्यू की है कि कैसे अब की जो एम्प्लॉयमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, अब के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो कैसे बदल चुके हैं एज कंपेयर टू लेट से 2 or 3 decades बिफोर। किसी कंपनी में किसी शख्स ने नौकरी की है तो वो फिर नॉर्मली 20-30 साल एक कंपनी को दिया करता था, यानी कि इट वॉज अ जॉब फॉर अ लाइफ टाइम बेसिकली। लेकिन अब के दौर में, आज इन 2024 और इन इन द पास्ट डेकेड 2010s के अंदर, अब ये ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट, अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कि अब वो जॉब फॉर अ लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो ना वो एम्प्लॉय के लिए अब एप्लीकेबल है, ना वो एम्प्लॉयर के एंड से एप्लीकेबल है, क्योंकि अब जो जो रूल्स हैं बेसिकली गेम के एज पर दिस बुक वो चेंज हो चुके हैं ऑल टुगेदर। अब जो एम्प्लॉयर है वो भी इस तरह की डिमांड इस तरह नहीं रखता, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो 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 एक बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक मशीनरी है सारे कंट्रीज की, वो भी इन द लॉन्ग रन अब चेंज हो गई है, जिसकी वजह से ले ऑफ्स करने पड़ते हैं, कंपनीज को रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है टू स्टे कंपेटिटिव, टू स्टे इन द मार्केट, टू कम्पीट विद अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। उसके अलावा कुछ कैरियर से रिलेटेड, चाहे आपका कोई भी कैरियर है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, ये इन सब प्रोफेशन से रिलेटेड ये किताब है। अब के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द गेम है ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, वो अब क्या हैं और आप अपनी किस तरीके से आप अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर रख सकते हैं, आप अपने कैरियर को सिक्योर रख सकते हैं। ओवरऑल अगर इस बुक को बात करें तो इसके अंदर आपको एक तो जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की साइड की स्टोरी जानने को मिलती है कि वो किस तरह काम करती हैं, उनका एम्प्लॉय को रखने का, परसीव करने का, एम्प्लॉयबिलिटी को मेजर करने का क्या तरीका होता है, और आप इनके वो आपको किस एंगल से देखते हैं, हम उनको किस एंगल से देखते हैं, और जो हेड हंटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं इन द सेंटर, जो कि एम्प्लॉय करके देते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, उनका एक पोटेंशियल एम्प्लॉय को या एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर को देखने का क्या तरीका होता है, उनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, हम उसको कैसे इम्प्रूव, हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जॉब गेटिंग सक्सेस रेट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ मेजोरिटी जो है वो प्रैक्टिकली डिस्क्राइब की गई है, प्रैक्टिकली उसके मुतालिक एक्शंस बताए गए हैं, सोल्यूशंस बताए गए हैं, प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट हुई हैं उसके बाद सोल्यूशंस बताए गए हैं, एक चेकलिस्ट दी गई है हर चैप्टर के अंदर, सर्वेज स्टेटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो है वो दिए गए हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जॉब टेन्योर का की स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, जैसे जापान के अंदर क्या है उसके मुकाबले जर्मनी में क्या है, उसके मुकाबले US में क्या है, UK में क्या है, और ये ऐसे मतलब ये ट्रेंड्स ऐसे क्यों हैं। अगर हम चैप्टर वाइज इस किताब को लेकर चलें तो इसके अंदर टोटल जो है वो 5 chapters हैं। 5 chapters के अंदर से सबसे पहला जो चैप्टर है वो उसका नाम है द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ऑथर का जो एम्फेसिस था सारा वो ये था कि
आपके जो रूल्स हैं आज की, अगर आज फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहीं पर जॉब लेने जाता हूँ तो उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है ना, कि अब मैंने मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है। और आपको जो भी शख्स ये किताब पढ़ता है या ये इस चैप्टर को फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी करता है तो उसको कुछ बेसिक रूल्स ऑफ द गेम जो है वो सारे समझाए जाते हैं प्रॉपरली, कि आपने मतलब आपको जॉब मिलेगी कैसे और आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए व्हेन यू आर हंटिंग फॉर अ जॉब और व्हेन यू आर अप्रोचिंग हेड हंटर्स, रिक्रूटर्स, और उसके अलावा जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया इस चैप्टर के अंदर। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर एक दो बातें जो की गई हैं वो है, एक तो ये कि आपकी जो डेफिनेशन है सक्सेस की, ऑब्वियसली इट्स मोस्टली इट्स अबाउट द मटीरियल पोजेशंस, के आपके पास है क्या कुछ, आपके पास गाड़ी कैसी है, आपके पास घर कैसा है, आप क्या क्या फैसिलिटीज अपने लिए अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस बुक के अंदर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया है वो ये है कि सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट मटीरियल पोजेशन, सक्सेस इज ऑल्सो एंड नाउ डेज मोस्टली अबाउट कि आप जो कर रहे हैं काम, जिस कैरियर में आप हैं, क्या आप वो काम करते हुए खुश हैं, कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। आपकी जो जिंदगी का मेजोरिटी हिस्सा है वो आपका ऑफिस में गुजरता है, तो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी जो जॉब है, आप उससे जो आप काम करते हैं वो आपको पसंद भी है कि नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जो आप काम करते हैं वो आपको पसंद नहीं है तो फिर देन इट्स सिंपली दैट कि यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। एक और चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस हुई है वो ये है कि आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉय ना देखें। यहाँ पे इस बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी टर्म इन्होंने यूज़ किया है कि यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली, कि आप अगर एक कंपनी में जॉब करते हैं तो आप बेसिकली अपनी सर्विसेज देते हैं उस कंपनी को। फॉर एग्जांपल एक ग्रेजुएट है, या अगर कोई शख्स है जिसने कभी जॉब नहीं की, यानी कि वो अभी इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ है, उसको अभी मतलब उसको पता है कि हाँ भी उसने करनी तो है जॉब, लेकिन उसको अभी यानी कि मार्केट का कोई अंदाज़ा नहीं है कि जॉब की प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं क्या, मतलब ये सारा कुछ। उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो किताब है ना, ये एक बहुत अच्छा एक एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर देगी एक स्टूडेंट को, के यानी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो करना है वो कैसे करना है, जो नहीं करना उसको उसको प्रिवेंट कैसे करना है। आपने चैप्टर नंबर टू से अब मेनली जो है वो प्रॉपरली एम्प्लॉयबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस होना शुरू होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी होती क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को खुद कैसे मेजर कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी को मेजर करने के फैक्टर्स क्या होते हैं, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते कैसे रहना है, और आपने अपना कॉन्स्टेंटली आपने अपनी मॉनिटरिंग अपनी परफॉर्मेंस की खुद कैसे करनी है, ये सारा कुछ उन्होंने चैप्टर नंबर टू में डिस्कस किया है। जब जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज चलते हैं, रीड करते जाते हैं, वैसे ही उसके अंदर आपको बहुत सारी हर चैप्टर के अंदर सिनेरियो बेस्ड जो है आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलती हैं अपने लिए, जो अगर आप करेंगे तो आपके लिए यानी कि आपको अपनी उसी टाइम आइडिया हो जाएगा कि आप किधर खड़े हैं अपने करियर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी इन्होंने एक्सरसाइज बताई इससे रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, कि आपने अगर ये चीज़ चेक करनी है कि आप एम्प्लॉयबल कितने हैं, इनके आपके आपको जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं, अपनी कम से कम 25 अचीवमेंट्स जो हैं वो आपने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखनी है, कि अच्छा आपने अभी तक जितनी देर आपने जॉब किया आपने उसके अंदर से 25 जो है मिनिमम एटलीस्ट। अब ये जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मैंने कहा यार तो 25 कैसे आप मेजर कर सकते हो, 25 आप अपनी लिख कैसे सकते हो, लेकिन फिर उसका भी उन्होंने आगे से पूरा तरीका बताया कि 25 को मेजर करने का क्या तरीका है, और वो ऑब्वियसली वो टेंजिबल होनी चाहिए, वो हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी यानी कि इस तरह की बहुत सारी इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज इसमें प्रोवाइड की हुई हैं रीडर्स के लिए, ताकि वो अपनी मॉनिटरिंग खुद कर सकें। आपने यानी कि अपने आप को कब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इनिशियल चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है, कि जैसे 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 एम्प्लॉय के लिए चैलेंजेस बढ़े हैं ओवर द पास्ट डेकेड्स, वैसे एम्प्लॉयर के लिए भी बढ़े हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में ये होता था कि जैसे लोगों के जहन में ये माइंडसेट था कि जॉब फॉर अ लाइफ टाइम होती है, यानी कि जहाँ पर जॉब लग गई तो बस ये यानी कि अब रिटायर ही होना है वहाँ से, ये माइंडसेट होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जॉब टेन्योर जहाँ पे बहुत कम हुआ है, इसी तरीके से जो जो अच्छे जो मोस्ट
रिसोर्सफुल एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिटेन करना भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उतना ही मुश्किल हुआ है एज कम्पेयर टू द पास्ट। सॉफ्ट स्किल्स के जो का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि टेक्निकल स्किल्स आर नॉट ओनली इनफ टू गेट अ जॉब। ऑब्वियसली आपने एक इंटरव्यू रूम में बैठना है, इंटरव्यूअर्स के जो आपकी जो जो एक पैनल होता है इंटरव्यू करने वालों का, उनके सामने आपने बैठना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपने बोल के ही अपने आप को प्रूव करना है। वहाँ पे आपको टेक्निकली पूरे सिनेरियोस तो आप उनके सामने एक टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर होती हैं चीज़ें, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है उसने ये भी देखना है कि मेरे क्लाइंट से बात कैसे करेगा कल को। ठीक है, इसको चीज़ें तो आती हैं लेकिन ये कल को अपने क्लाइंट डीलिंग में कैसा होगा, इसकी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होगी, वो सारा बड़े डिटेल में चैप्टर टू से ये बात स्टार्ट होती है। एंड मूविंग ऑन, ये हर चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ एंगल से ये बात जो है वो डिस्कस की जाती है कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं भी है तो वो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर 3 का नाम है इम्प्रूविंग योर पर्सनल कम्पेटिटिवनेस। ये जो चैप्टर है यहाँ से जो है ना वो एक प्रैक्टिकल काम प्रॉपर शुरू होता है। जो फर्स्ट टू चैप्टर हैं इस किताब के वो बेसिकली एक फाउंडेशन लेवल की थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक्सरसाइजेज उसमें भी हैं लेकिन उसमें रिलेटिवली कम है, उसमें स्टेटिस्टिक्स ज़्यादा हैं, रिसर्च स्टडीज ज़्यादा हैं, यानी कि ओवरऑल मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ की जॉब मार्केट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है ज़्यादा कि अब पहले क्या था, पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, ये सारा कुछ चैप्टर 3 से जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल टर्म्स में चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और इसके चैप्टर 3 और 4 जो है ना ये हैं बेसिकली पर्सनल कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के। ठीक है, कि यानी कि आपने अपने ऊपर किस लेवल का काम करना है, कैसे करना है, अपने ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने हैं कि आप इंडस्ट्री के अंदर जो है वो के टॉप टैलेंट में आ सकें, आपने कौन सी किस लेवल की सर्टिफिकेशंस करनी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं और ये सारा कुछ। जॉब स्किल्स होते हैं वो जो किसी भी जॉब के लिए जो चाहिए आपको वो इसके अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर सोशल स्किल्स की बात, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट हुई बात, चैप्टर नंबर 3 के अंदर सॉफ्ट स्किल्स के अंदर यानी कि जो एथिकल गाइडलाइंस होती हैं वो कैसे फॉलो होनी चाहिए एम्प्लॉय की साइड से या सर्विस प्रोवाइडर की साइड से, कॉम्पिटेंसी है उसको इम्प्रूव करना, और एक होता है कि कॉम्पिटेंट होना, ठीक है, कि आपको यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एक होता है कि कॉम्पिटेंट नजर आना, ये दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब तक आप दूसरे को प्रूव नहीं करेंगे कि यू आर कॉम्पिटेंट, चाहे आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हो, नो वन गोइंग टू बिलीव यू। तो उस चीज़ के ऊपर कैसे काम करना है, कॉम्पिटेंट नज़र कैसे आना है, ये चीज़ बहुत डिटेल में इसमें डिस्कस हुई है। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है इसके अंदर अब यहाँ पे काफ़ी डायरेक्ट अप्रोच के साथ जो है वो बातें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर कुछ सब चैप्टर्स की हेडिंग्स हैं, एक तो इसकी जो चैप्टर नंबर 4 की जो अपनी हेडिंग है वो टाइटल ऑफ द बुक इटसेल्फ है, यू इनकॉर्पोरेटेड। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेसिकली ये डिस्कस किया गया है, जैसे कि इस बुक की जो सब्जेक्ट की जो लाइन है ये है कि योर कैरियर इज योर बिजनेस। अब इस जुमले के ऊपर बेसिकली चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि आपने अपने कैरियर को इस तरह नहीं देखना सिर्फ कि हाँ जी मैं जॉब कर रहा हूँ, ये बिजनेस थोड़ी है, नहीं, यू कैन मार्केट देम, यू कैन मार्केट योर सर्विसेज, यू कैन यू विल हैव टू मार्केट योर सेल्फ। ठीक है, अब क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया है, लिंक्डइन स्पेशली, लिंक्डइन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके मुतालिक जो है वो एक्सरसाइज बताई गई हैं, पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपने क्या कैसे अपना लिंक्डइन जो है वो डिज़ाइन करना है, खुद अपना एक लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो कैसे बिल्ड करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि आपका जो कैरियर है वो आपका बिजनेस है। ठीक है ना, तो एक बिजनेस का फिर एक सीईओ होता है, एक सीएफओ होता है, एक हेड ऑफ सेल्स होता है, हेड ऑफ मार्केटिंग होता है, हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। आप ही ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने कैरियर के आप खुद देख रहे होगे और आपने उन सारे डिपार्टमेंट्स को कैसे लेके चलना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इन द हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब उसके अंदर आपने क्या करना है अपने लिए, आप क्योंकि आप किसी भी कंपनी का जब R&D का डिपार्टमेंट होता है तो उसके अंदर उसने ये देखना होता है कि अच्छा वो अपनी प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो अपनी प्रोडक्ट को मजीद कंपेटिटिव कैसे कर सकता है, मजीद टॉप नॉच कैसे बना सकता है। R&D के डिपार्टमेंट में आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे, बींग अ सर्विस प्रोवाइडर, वो ये है कि आप अपनी स्किल्स पे मजीद काम करोगे, आप अपने आप को मच मोर कॉम्पिटेंट बनाओगे, वो आप कैसे बनाओगे उसके लिए पूरी उन्होंने एक डिस्कशन की है, पूरी एक चेकलिस्ट प्रोवाइड किया कि भाई आपने यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तो सेमिनार्स अटेंड करने, सर्टिफिकेशन लेटेस्ट करनी,
जो ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन अगर आप उस पर रहोगे तो देन यू आर आउट ऑफ द गेम, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसी तरह यू आर योर ओन CFO, क्या आपने अपने फाइनेंसेस, इसके अंदर कुछ हद तक इस किताब के अंदर इवन पर्सनल फाइनेंसेस से रिलेटेड भी बहुत सारी डिस्कशन हुई है कि अच्छा ठीक है, अगर आप इतने पैसे कमाते हो, एक्स नंबर ऑफ इनके रुपीज और डॉलर्स और वट एवर आप कमा रहे हो, तो आपने उसके अंदर से अपने कैरियर के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब आप अपने कैरियर पे इन्वेस्ट करना छोड़ दोगे देन यू विल इवेंचुअली गेट आउट ऑफ द गेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी प्रैक्टिकली डिस्कस हुई हैं, हेड ऑफ यू एज योर हेड ऑफ सेल्स, एज योर हेड ऑफ मार्केटिंग, ये सारी चीजें उस एंगल से डिस्कस हुई हैं। और टू द पॉइंट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई वो मेंटल जिमनास्टिक्स नहीं आपको करनी पड़ती, मतलब कोई भी चैप्टर या कोई भी लाइन समझने के लिए, इट्स वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा जो लास्ट चैप्टर है वो है बेसिकली आपकी नेटवर्किंग के ऊपर, उसमें नेटवर्किंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है कि ठीक है जी, आपने चैप्टर नंबर 1 में समझ लिया कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, चैप्टर नंबर 2 में आपने एम्प्लॉयबिलिटी को मेजर कर लिया अपनी, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि आपने ये समझ लिया कि अच्छा मैं एम्प्लॉयबल कितना हूँ, मैं उसको कैसे इंप्रूव करना है, अच्छा ठीक है जी, वो भी आपने कर लिया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने फिर क्या कहते हैं, अपने जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं, यानी कि अपनी आपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, ऑफिस के अंदर आपने कैसे बिहेव करना है, आपने अपने बॉस के साथ कैसे रिलेशनशिप्स रखने हैं, कंपनी को आपने कैसे अपना काम दिखाते रहना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपने अपने ऊपर कैसे काम करना है, अपने आप एज ए बिजनेस ट्रीट करना है, अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, हर चीज़ को मतलब प्रॉपरली यहाँ पे आप जो ये जो 4 चैप्टर्स थे ना पहले इस किताब के, वो थे बेसिकली अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, जो रीडर है वो उसके ऊपर फोकस है। 4 चैप्टर्स पहले एम्प्लॉयर साइड ऑफ द थिंग्स डिस्कस हुई हैं, HR फर्म्स के बारे में चीजें डिस्कस हुई हैं, लेकिन वो सोली फोकस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशंस और रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह ऐसा नहीं था। उसके अंदर ऐसे था कि फोकस है जो डिस्कशन का वो आप, ठीक है, सेंटर ऑफ डिस्कशन रीडर है। जो चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर भी आप ही डिस्कस होगे, लेकिन इसके अंदर ज्यादा आप ज्यादा जो डिस्कशन है वो ये है कि अच्छा जी, आपने वो सारे जो चेक्स से वो आपने अप्लाई कर दिया, आप कॉम्पिटेंट बन गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन अगर आप अपने कमरे में बैठ के कॉम्पिटेंट हो गए तो नो वन इज गोना नो अबाउट यू, ठीक है ना। तो अब ये जो 5th 5th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने आपको एज अ पर्सनल ब्रांड आपने कैसे डेवलप करना है, उसके अलावा आपने अपना नेटवर्क कैसे आपने बिल्ड करना है, अपनी नेटवर्किंग की लिस्ट आपने कैसे बनानी है, आपने नेटवर्क आपने किस टाइम बनाने शुरू करने हैं, कैसे बनाने हैं। अच्छा, एक होता है नेटवर्क बनाना, ठीक है, और उससे मेरी नज़र में उससे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो होता है उस नेटवर्क को मेनटेन रखना, कि उस नेटवर्क को आपने मेनटेन कैसे रखना है इन द लॉन्ग टर्म विद द सेम एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ठीक है ना। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल होता है ऐसे कि आपने एक नेटवर्क बना लिया, आपने एक जगह पे जॉब की, वहाँ पे आपको सारे जानते हैं, सारे के साथ अच्छी सलाम है वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे कि आपने जॉब की चेंज की, वो सारे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी यू नो वर्क लाइफ से, करियर से, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी से निकल गए, ठीक है ना। तो वो सारे कनेक्शन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट कर गए। तो इस बुक के अंदर, इस लास्ट चैप्टर के अंदर स्पेशली ये चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताई गई है कि आपने उनको मेंटेन कैसे रखना है, उन सारे कनेक्शंस को। ये तो हो गए सारे चैप्टर्स, बट देयर इज मोर टू इट। एक तो है एडिशनल रिसोर्सेज, उसके अंदर बेसिकली आपने जो कुछ भी पढ़ना है वो आप इनकी जो अपनी पर्सनल वेबसाइट है inezstemple.com, उसके ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे हैं ओवर द ईयर्स, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में इन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं, ऑब्वियसली बुक के अंदर हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों को जो इन्होंने एडिशनल रिसोर्सेज का जो एक सेक्शन बनाया हुआ एट द एंड ऑफ द बुक, उसके अंदर उन्होंने मजीद आर्टिकल्स के लिंक्स दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट के, और उसके यानी कि हर चैप्टर वाइज वो भी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि अच्छा जी, अगर आपने यानी कि इस चीज़ से मुतलिक मजीद जानना है अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर डैट शी डिस्कस, तो उसके लिए जी ये एडिशनल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद जो एक बहुत जो एक क्रक्स है बेसिकली एक बुक का, वो सारा इसके बाद है, जो कि है इन्फोग्राफिक्स के नाम से, ये एक बिल्कुल लास्ट पेज बुक के है, और इसके अंदर इस तरीके की ये सारी इन्फोग्राफिक्स दी हुई हैं। अब ये सारी बेसिकली वही हैं कि जैसे अब ये एक जो सबसे पहली जो इन्फोग्राफिक है, इसकी हेडिंग है कि साइंस ऑफ अ पुअर एटीट्यूड एट वर्क। सेकंड है कि हाउ कैन वी कल्टिवेट आवर करिश्मा। 10 थिंग्स एम्प्लॉयबल पीपल डू नॉट डू,
ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हमने नहीं करनी, 10 reasons why you will not be hired, जो मेरी expectations थी इस किताब से वो इससे आउट परफॉर्म किया इस किताब ने, यानी कि इट वॉज आउटस्टैंडिंग। ये था इस किताब का पूरा एक डिटेल्ड बुक रिव्यू दिस टाइम, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरह के डिटेल्ड बुक रिव्यूज आपके लिए लाता रहूँ। असल में रीज़न फॉर डूइंग सच अ डिटेल बुक रिव्यू वॉज के आई वॉज फीलिंग के यानी कि रिव्यू तो मैं ऑलरेडी भी कर रहा था मुख्तलिफ किताबों का, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जा पा रहा था जितना मैं जाना चाहता था हर रिव्यू के अंदर। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो फॉर्मेट है ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। ऑब्वियसली इससे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा किताब के बारे में, ये चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें डिस्कस की हैं, ऑब्वियसली इट्स गाना बी वे अ लॉन्गर वीडियो देन प्रीवियसली आई यूज टू अपलोड, सो सॉरी फॉर दैट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इट इज़ वर्थ योर टाइम। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।